आप सभी, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ, होली स्पेशल ठंडाई, जो अक्सर कर हमारे देश में होली पे बनाई जाती है और हर जगह बनाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, उसके लिए मैंने लिए हैं 25 ग्राम खरबूजे के बीज यानी मगज, 25 ग्राम सौंफ, थोड़ा सा पॉपी सीड्स यानी खसखस, 20 से 25 मैंने काली मिर्ची ले ली हैं, साबुत काली मिर्ची हैं, 25 ग्राम मैंने लिया है नारियल को कद्दूकस करके ले लिया है, सूखा नारियल, और 50 ग्राम चीनी ली है, थोड़े से हैं गुलाब की पंखुड़ियाँ, और 4 से 5 हैं पान के पत्ते, क्योंकि हम आज दो तरह की ठंडाई बनाएंगे, एक गुलाब की और एक पान वाली ठंडाई। और थोड़ा सा मैंने लिया है गुलकंद, और ये दूध है आधा लीटर है। इसमें मैंने क्या किया है, 250 ग्राम मैंने पानी ऐड किया है और 250 ग्राम इसमें दूध है। तो अब हम इसको इसलिए मैंने मिक्स किया है क्योंकि फुल क्रीम अगर हम दूध लेते हैं तो ये जो सारे फ्लेवर्स हैं ना इंग्रेडिएंट्स के, वो दब जाते हैं, और पानी मिक्स करके आप लोगे तो वो उभर के आते हैं और पीने में काफ़ी टेस्टी लगती है फिर ठंडाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूखी हुई पंखुड़ियाँ ली थी, उनको आधे घंटे के लिए भिगो दिया है और अभी हम इसको यूज़ करेंगे। और जो और इंग्रेडिएंट थे, जैसे मगज़ था, सौंफ था, खसखस था, काली मिर्ची थी, इन सबको भी मैंने अलग से भिगो दिया है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, इनका पानी निकाल लेते हैं और हम अभी स्टार्ट करेंगे ठंडे ही बनाना। तो हम इसको एक मिक्सिंग जार में निकाल लेते हैं। इसको हमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके फाइन पेस्ट बना लेना है, इसको हम बाद में ऐड करके पीसेंगे। इसमें मैं जो मैंने कद्दूकस करके नारियल लिया था वो भी डाल देते हैं, और थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको पीस लेते हैं। ये पेस्ट हमारा बनके तैयार है। इसमें से आधा पेस्ट हम एक बोल में निकाल लेते हैं और आधा इसी जार में छोड़ देते हैं। अब हम बनाएंगे गुलाब की ठंडाई। इसके लिए मैं इसी जार में गुलाब की पंखुड़ी को डाल के दोबारा पीस लूंगी, और बाकी का जो पेस्ट बना है वो आएगा हमारा पान की ठंडाई बनाने के काम। ये हमारा गुलाब का पेस्ट बनके तैयार है, इसको हम निकाल लेते हैं। और इसी में ऐड कर लेंगे ये वाला पेस्ट, और इसी में हम डाल लेंगे ये पान के पत्तों को ऐसे पीस करके इसी के अंदर डाल देंगे, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी हम पीस लेंगे। ये पेस्ट भी हमारा बनके तैयार है। तो अब चलिए हम बना लेते हैं अपनी ठंडाई को, तैयार कर लेते हैं। हमने जो दूध लिया था उसमें हम ये चीनी ऐड कर देते हैं एक साथ। इसे घोल देते हैं और आधा आधा हम डिवाइड कर देते हैं। ये देखिए हमने दूध को आधा आधा डिवाइड कर दिया है। अब एक बोल में हम गुलाब वाला पेस्ट डाल देते हैं 2 चम्मच, और मिक्स कर देते हैं, और एक में डाल देते हैं हम पान वाला पेस्ट
ये भी 2 चम्मच। इसको भी हम मिक्स कर देते हैं। हमारी ठंडियाई सर्व करने के लिए रेडी है। आप चाहो तो आप इसे ऐसे डायरेक्ट ही सर्व कर सकते हैं, या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको छान के भी यूज़ कर सकते हैं। और जो पेस्ट है, जो हमारा जो बचा हुआ पेस्ट है, वो हम इसको फ्रीज में रख सकते हैं और उसके महीनों बाद तक भी ये आराम से चलेगा। जब मन करे तब आप अपनी ठंडाई बनाइए और पीजिए। तो लीजिए, तैयार है हमारी 2 फ्लेवर की होली स्पेशल ठंडाई। आप इसमें थोड़ा सा गुलकंद भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और इसमें कुछ आइस क्यूब डाल के भी आप इसको ठंडा सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ नहीं डाला है क्योंकि मुझे ज़्यादा आइस अच्छा नहीं लगता, इसलिए। तो आप होली पे से ज़रूर बनाइए। और इसके पान के और गुलाब के तो आपको बेनिफिट पता ही है, ये हमारे शरीर को गर्मी में ठंडक देते हैं, हमें गर्मी से राहत मिलती है अगर हम इस ठंडाई को पीते हैं तो। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहता है। पान को तो अक्सर हमारे देश में खाना खाने के बाद खाया जाता है, जिससे कि हमारा जो खाना है वो जल्दी पच सके। और वही काम करता है गुलाब भी। गुलाब भी हमारे खाने को जल्दी पचाता है, आँखों की रोशनी बढ़ाता है, शरीर को ठंडक प्रदान करता है, शरीर को स्वस्थ रखता है। तो ये दोनों के बेनिफिट भी मैंने आपको बता दिए हैं। और आपका जब मन करे तब आप इसको बनाइए, पीजिए और अपने अनुभव हमें शेयर कीजिए। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल डिलीशियस किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।